आईपीएल लीग 2021 में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए मैच में सबकी नजरें थी। आईपीएल के बतौर कप्तान ऋषभ पंत का ये पहला मैच था और उनके सामने महेंद्र सिंह धोनी की चुनौती थी। गुरु और चेले के बीच इस मैच में पंत ने बाजी मार ली। इसके बाद उन्होंने धोनी के सम्मान में खूब कसीदे पड़े। वहीं पंत ने कहा कि एमएस धोनी के साथ टॉस के लिए आना बहुत खास था, वो उनके गो टू मैन रहे हैं, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वहीं आपको बता दें कि सुरेश अय्यर के चोटिल होने के कारण आईपीएल के सत्र में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक समय दबाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मध्य के ओवर में वो कुछ दबाव में थे, लेकिन अवेश और टॉम करन ने अच्छी गेंदबाजी की और चेन्नई को 188 रनों पर रोक दिया। वहीं अंत में आपको जब जीत मिलती है तो काफी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि हम एंडरसन नॉर्टेजे और कगिसो रबाडा के ना होने से थोड़ा परेशान थे। हम सोच रहे थे कि हम इनके बिना क्या कर सकते हैं, और फिर लगा कि अब हमने जो भी करना है वो अपने पास मौजूदा विकल्प से ही करना है। मैदान पर बेस्ट प्लेइंग 11 उतारना है। हम एक ओवर पहले मैच खत्म करना चाहते थे, हमने रन रेट के बारे में नहीं सोचा था। वहीं पंत ने ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने पावर प्ले में हमारे लिए अच्छा काम किया, उन्होंने चीजों को सरल रखा और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। वहीं आपको बता दें कि धवन और शॉ ने पहले विकेट के लिए 13.3 ओवर में 138 रनों की साझेदारी की और दिल्ली को आसानी से जीत दिलाई। वहीं कहने के पहले ही मैच में चेला गुरु पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।